हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की क्रेटा है, 2016 का मॉडल है, डीजल कार है। आज हम इसमें जानने वाले हैं कि हीटिंग, तो हीटर यहां से जो हाई किया हूं मैंने, तो एक साइड ही हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है और एक साइड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, गाड़ी चालू है अपना और गाड़ी देखो गर्म भी हो चुका है और आउटसाइड टेम्परेचर देख लीजिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये साइड का, ये ग्रिल का जो टेम्परेचर दिखा रहा हूँ आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं 56 पे, यानी इस साइड का हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट इस साइड का जो देख पा रहे हैं आप हीटिंग टेम्परेचर, थर्मामीटर उल्टा है, 31 पे है। बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली, यानी हाथ लगाएंगे तो आपको नाक के बराबर एहसास होगा। और ये वाली वेंट में उससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है और ये में आ रहा है उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ये वाली वेंट में आ रहा है। तो इसका हो क्या रहा है, यानी इसका कूलेंट का जो सर्कुलेशन अंदर से डैशबोर्ड के अंदर जो हीटर कॉइल रहती है, तो सर्कुलेशन जो होता है ना प्रॉपर तरीके से हीटर कॉइल में नहीं जा पा रहा है, कहीं ना कहीं चोक है, इस वजह से हीटिंग टेम्परेचर अंदर नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको क्लीन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला है एसिड अपना, ये एसिड हीटर कॉइल में डालेंगे, हम डाल के हीटर कॉइल को क्लीन करेंगे और देखेंगे क्लीन होता है, सक्सेसफुल होता है या नहीं। और ये रही पक्कर जो कि क्लिप खोलने का काम देगा अपने को, और ये रही पाइप जो कि हीटर कॉइल के अंदर पाइप डालूंगा मैं, ये आसानी से अंदर चला जाएगा और उसके बाद साइज बड़ा हो चुका है देख पा रहे हैं, और इधर से मैं एसिड डालूंगा। तो चलो फिर मैं बाहर लेके जाता हूं आपको, एसिड डालता हूं फिर आगे आपको दिखाता हूं। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि देख पा रहे हैं 61 पे है, लेकिन बट ये वाली वेंट में जैसा कि देख पा रहे हैं 37 है, यानी हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है, एक साइड ही आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा है। एक बार कंफर्मेशन के लिए और भी दिखा दिया मैंने आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं तो यहाँ हाथ से आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका अगर गाड़ी है तो आप यहाँ से हाथ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर मैं अंदर अपना काम चालू करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं गाड़ी ठंडा कर लिया हूँ और ये दोनों क्लिप खोल लिया हूँ पाइप के, ताकि देख पा रहे हैं, मैं निकाल देता हूँ हीटर का पाइप, निकाल दिया दोनों पाइप। तो अब इसमें मैं ये वाला पाइप डालूंगा अंदर डाल के यहाँ से, ताकि आप देख पा रहे हैं कि अंदर आराम से आसानी से चला जाएगा पाइप और प्रॉपर तरीके से फिक्स कर देता हूँ। चला गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से एसिड मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैं एसिड डाल के अभी पानी का प्रेशर मार रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं आप पानी का प्रेशर मारेंगे तो अंदर जो भी कचरा रहेगा ना, मैं थोड़ा दूर से पहले ये मार ये कर दिया, यानी जो भी एसिड का असर था तो अंदर से मार रहा हूँ। तो चलो फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं पानी का प्रेशर मार के मैं क्लीन कर दिया हूँ, तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सब प्रॉपर फिट हो गया है, गाड़ी चालू है, तो चलो फिर मैं अंदर आपको हीटिंग टेम्परेचर जाके दिखाता हूँ आता है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी अभी चालू है, टेम्परेचर भी देख लीजिए, गाड़ी गर्म हो चुकी है और आउटसाइड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे पहले मैं आपको ये वाला ग्रिल का टेम्परेचर दिखा देता हूँ, थर्मामीटर पूरा हीट हो गया इसकी वजह से दिख नहीं रहा सही, मेरा बाहर ले लेता हूँ, पूरा ये आ गया। तो थोड़ा रुकता हूँ, वीडियो होल्ड करता हूँ, जरा थर्मामीटर गड़बड़ ये कर रहा है। प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रुक के दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 45 पे, यानी थर्मामीटर गर्म हो गया ना, तो इसकी वजह से ब्लड हो गया था, 48 बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ेगा, लगभग 60 तक जाएगा, 52 55। ये वाली ग्रिल में इतना टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि पहले ये वाली ग्रिल में टेम्परेचर दिखा ही नहीं रहता, अभी 64 पे आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्मामीटर उल्टा है जरा, तो ये है 6 और ये 4, जो कि पहले 30 तक जा रहा था, यानी हीटर कॉइल जो मैंने क्लीन किया तो प्रॉपर हो गया, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। थोड़ा बहुत कचरा रहता है तो निकल जाता है, और ज्यादा अगर जाम रहता है तो वो क्लीन नहीं होगा, वो हीटर कॉइल आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये सब चीजें वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ना, तो ये सब चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए क्या हो रहा है, क्या किया जाता है इस वजह से। और ये जो एसिड डाल के मैंने आपको दिखाया,
आप भी खुद आसानी से अपने घर में आपकी गाड़ी में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, एक साइड से हीटर और एक साइड से ठंडापन यानी ज्यादा आ रहा है, एक साइड ज्यादा हीटिंग आ रहा है और साइड कम आ रहा है, तो आप घर में बैठ के भी क्लीन कर सकते हैं आप खुद से। सिर्फ ये एसिड आप मंगवा लीजिए, एसिड मंगवाने के बाद आसानी से आप कर सकते हैं, पर थोड़ा डेंजर काम रहता है, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो ये सब चीजें सिर्फ मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ब्रेजा क्रेटा ये दो गाड़ी में, बहुत सी गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम आता है। क्यों होता है ये प्रॉब्लम? क्योंकि आप जब आपका कूलेंट वगैरह कम होता है ना, तो आप पानी कोई सा भी डाल देते हैं ना, आयरन वगैरह पानी डाल देते हैं, इस वजह से कूलेंट अगर डालते रहेंगे हमेशा तो ये प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। कूलेंट ही डालेंगे तो पानी टॉप अप करने के लिए डाल देते हैं, अंदर कूलेंट रहता नहीं है और पानी में आयरन रहता है, वो पानी सर्कुलेशन होते रहता है, सर्कुलेशन होते होते एक बार धीरे धीरे और हीटर कॉइल का जो फिन्स रहता है बहुत बारीक होल रहता है, वो जाकर के आसानी से उधर जाके जम जाता है कचरा, और एक साइड से ही यानी आधा आधा हीटर कॉइल से कूलेंट सर्कुलेशन होता है और आधे में से नहीं हो रहा है, इस वजह से आधे में हीटर कॉइल हीटिंग टेम्परेचर आता है और आधे में नहीं आ रहा है, इस वजह यही हो जाए। और एक बार मैं आपको हीटिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ, थर्मामीटर का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, इसमें 68 है, अभी 68 पे आ गया, अब इसमें आप देखिए 63, यानी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो इतना चलेगा। और पहले तो क्या हो रहा था कि पहले इसमें आ ही नहीं रहा था, इधर वो वाली वेंट में आ ही नहीं रहा था, अभी तो थोड़ा बहुत आने लगा है और ये धीरे धीरे चलेगा, ये ज्यादा दिन भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन आपका लाइफ टाइम चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा दिन चलेगा, फिर उसके बाद आपको नया डालना ही है, कुछ दिन के लिए चलेगा बस, सिर्फ ये चीजें आपको दिखाने के लिए किया हूं। तो चलो फिर, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।